आईपीएल 2024 का समापन अब हो चुका है और अब बारी है टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े कार्निवल यानी कि टी20 वर्ल्ड कप की। दुनिया भर की कई टीमें टी20 वर्ल्ड कप के लिए अब अमेरिका पहुंच चुकी हैं और वहां जी जान से अभ्यास कर रही है। इस दौरान हमें एक बार फिर से कई सारे दिग्गज खिलाड़ी नजर आएंगे। वहीं अगर हम प्राइज मनी की बात करें तो आईपीएल के तुलना में टी20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी काफ़ी कम है। आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बनी और इसी वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा 20 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली सनराइजर्स हैदराबाद टीम को 12.5 करोड़ रुपए यानी कि 12.5 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिले हैं। विजेता और रनरअप के अलावा तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमें राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अच्छे खासे पैसे मिले और दोनों ही टीमों को 7-7 करोड़ रुपए के साथ विदा किया गया। इसकी तुलना में अगर हम टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ पर इनामी राशि ज़्यादा नहीं मिलती। खबरों के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने वाली टीम को $1.6 मिलियन यानी कि 13.30 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि उपविजेता टीम को 6.65 करोड़ रुपए मिलेंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 की कुल प्राइज मनी $5.6 मिलियन यानी भारतीय रुपये में तकरीबन 46.56 करोड़ रुपये है। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को करीब 3.32 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि सुपर 12 में हारने वाली टीमों को 58 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईपीएल के मुकाबले टी20 वर्ल्ड कप की इनामी राशि काफ़ी ज़्यादा कम है। आपको बता दें कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और इसी वजह से यहाँ की जो भी इनामी राशि होती है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। पैसों के मामले में कोई भी दूसरी टीम आईपीएल के आसपास भी नहीं मंडराती और इसी वजह से जब भी कोई फ्रेंचाइजी आईपीएल का फाइनल जीतती है तो उसके ऊपर फ्रेंचाइजी पैसों की बारिश कर देती है। टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 2 जून से होने वाला है और सभी टीमें अभी से इसकी तैयारियों में जुट चुकी हैं। भारतीय टीम का भी पहला भाग अमेरिका पहुंच चुका है। भारतीय टीम की अगर बात करें तो अभी रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा जैसे स्टार खिलाड़ी अमेरिका की धरती पर कदम रख चुके हैं। वहीं स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी कुछ समय बाद टीम इंडिया से जुड़ते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम 1 जून को अपने पहले वार्म अप मैच में नजर आएगी जहां उनके सामने बांग्लादेश की टीम होगी। वहीं भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ करेगी, जबकि उसके बाद भारत को 9 जून को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, 12 जून को मेजबान अमेरिका और 15 जून को कनाडा का सामना करना है। भारतीय टीम को ग्रुप ए में आयरलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा के साथ रखा गया है। उसके बाद ग्रुप स्टेज का कारवा सुपर 8 में पहुंचेगा जहां 2 ग्रुप बांटे जाएंगे और 4-4 टीमों को उनमें बांट दिया जाएगा। उसके बाद यह कारवा सेमीफाइनल और फाइनल तक जाएगा। वहीं 29 जून को एक नया टी20 वर्ल्ड चैंपियन हमें देखने को मिलेगा। अब आप हमें बताइए कि क्या भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप जीत पाएगी या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।